इन माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप डीपली ये फिल्म को देखें तो आपको लगेगा ही इज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। मैं जब एक फिल्म देखता हूँ मैं उस स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाता हूँ। कमल हसन ने बहुत अच्छा काम किया है। ईच एंड एवरी वन इंडियन शुड बी वॉच दिस मूवी। फर्स्ट हाफ में दिखाया गया था उन्होंने अपने हाथों से अपना बेटे का कत्ल किया, अपने हाथों से। बहुत उमदा, बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेटिंग। हिंदुस्तानी 2 मुझे हिंदुस्तानी 2 के जैसी लगी क्योंकि मैं उस सदी का बच्चा हूँ जो इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने थिएटर में एंजॉय किया था। 4 साल का था तब मैं, तो डैडी ने जब बैंडर टॉकीज में मुझे लेके गए थे, ये मूवी के विजुअल्स मुझे तभी भी याद थे। और सबसे ज़्यादा तो मुझे वो गाना याद था कि झटका दिखा दिया तुमने, उर्मिला के साथ जो कमल हसन का कॉम्बिनेशन था, तो वो कमल हसन की एक्टिंग उसके अंदर अच्छी लगी थी। जो उनके डायलॉग्स थे, अल्लाह वड़क हम कमल हसन, मेरा नाम कमल हसन, तुम खमरना ही होगा जाने बाहर तो उनकी जो आवाज़ें थी, उनकी जो मतलब वो एक बोलते ना, जितनी भी उनकी पोटेंशियल थी ना उस मूवी में वो नज़र आई थी। उस टाइम पर ऐसी मूवी बनाना शंकर के अलावा मेरे ख्याल से शायद ही कोई सोच सकता था 1996 में। देखिए ये फिल्म अगर देखनी है, चाहे वो पार्ट 1 हो 2 हो या 3 हो, ये फिल्म, ये माइलेज भी कमल हसन को ही दिया गया और देना भी चाहिए। बिकॉज हमको सिर्फ और सिर्फ वो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जो है उनका परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना है। अगर वो माइंडसेट से आप फिल्म देखना जाओगे तो आप बोलोगे यार हमको उसको ही देखना है। औरों का परफॉर्मेंस है, सपोर्टिंग रोल्स है, ठीक है, अच्छी बात है, बट उनको ही देखना है। बहुत मज़ा आता है अगर उनको देखते हुए, बहुत मज़ा आता है। बिकॉज मैं जब एक फिल्म देखता हूँ मैं उस स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाता हूँ। मैं फिल्म थिएटर में नहीं रहता हूँ तब, इमोशनली आई एम अ पार्ट ऑफ दैट स्क्रिप्ट। तो वैसी मूवी को उन्होंने उस टाइम पे बना दिया था 15 करोड़ के बजट में। आई थिंक वो मूवी उस टाइम पर बनी थी तमिल लैंग्वेज में, उसके बाद सक्सेस के बाद हिंदी में डब हुई वो, और हिंदी में उसने 50 करोड़ किया था। तो सोचो उस टाइम की मूवी ने इतना कलेक्शन किया था। तो वही सोच के मैं इंडियन 2 का तो मेरे से पहले मुझे देखना था, और इंडियन 2 में भी वही करप्शन, वही रिश्वत, नीचे से लेके ऊपर तक सब रिश्वत ले रहे हैं और नीचे से लेके ऊपर तक सब मार खा रहे कमल हसन के हाथ से। तो मज़ा आया मूवी देख के। शंकर का डायरेक्शन एज यूजुअल हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि मैंने उनकी जितनी भी मूवीज़ देखा हूँ ना, नायक अनिल कपूर की झकास वो भी एक नंबर थी, मतलब उसमें भी मज़ा आया था। अपरिचित देखो आप, आई देखो आप, रोबोट 2.0 उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो उनकी हर एक मूवी ना अलग ही जॉन्डर की है। उन्होंने 1996 में अपनी मतलब उनकी थर्ड मूवी थी इधर डायरेक्शन, बट फर्स्ट मूवी थी करप्शन के ऊपर जो उन्होंने बनाया था। तो उसके बाद से उन्होंने एक वही लाइन पकड़ी। अब अपरिचित भी देखोगे तो कहीं ना कहीं वैसी मूवी है। तो उनकी हमेशा कुछ ऐसे रहता है कि ऑडियंस को जागरूक करूँ मैं, अंदर से थोड़ा लाऊँ, तो वो नज़र आता है मूवीज़ में।